पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ता है, तो वहां भी आपको पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा कई दिनों तक, और फिर पैसा आप देंगे तभी यह आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ये इस राज्य में भ्रष्टाचार यहां तक पहुंच गई, और हालत तो इतना खराब है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जिनका अगर राशन कार्ड में भी किसी का नाम छूटा हुआ होता है या कोई बहू आती उनका नाम जोड़ना होता है, तो नाम को जोड़ने में भी पहले तो आप बिहार झारखंड तक रांची तक के चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आप उसमें भी पैसा देना पड़ता है। ये बात सच है कि नहीं आप बताइए, आप ही लोग क्या आज जहां कहीं भी आप जाते हैं कितना पैसा लेता है, वो राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने में कितना पैसा लगता है किसी को पता है? कोई पांच का रहे मैंने पांच मैंने 500 टका की 5000 टका क्या है 5000 टका। आप बताइए अगर वो गरीब के पास 5000 रुपया कहाँ होगा, तो गरीब के पास जब 5000 टका होगा तभी फिर राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा, तभी उनको राशन मिलेगी। इसलिए आज झारखंड में ये भ्रष्टाचार है। अफसरों से बात करेंगे, वीडियो से पूछेंगे, सीओ से पूछेंगे, दरोगा से पूछेंगे कि आपको लाख टका वेतन मिलता है, काम के बदले आपको वेतन मिलता है, फिर इतनी पैसे क्यों वसूलते हैं? तो उनका जवाब होता है हम दे करके आए हैं तो लेना ही पड़ेगा हमको, और तो और ये भी कहता है कि हमें भी महीना में देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप और हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं महीना में, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 6 महीना में कराता है, कोई साल भर में रिचार्ज कराता है, वैसे ही झारखंड में जो सरकार है यहां से अफसर भी दे करके आते हैं, कोई महीना के देते हैं, कोई 3 महीना में जमा करते हैं, कोई 6 महीना में जमा करते हैं, तो अफसर भी पैसा जनता से वसूलती है। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है वो राज्य सरकार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड के शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, और देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा इस देश को भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए और भ्रष्टाचारियों को कहां भेजना है, सतवार के जेल में भेजना है। लेकिन वो एक ही शर्त है, जब आप देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तभी ये भ्रष्टाचार। हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगभग 4 साल अब होने को चला है, और सरकार बनाते समय सरकार बनते समय कई एक सरकार ने घोषणाएं की, आप सब उन घोषणाओं को यदि आप याद करेंगे तो फिर आपको लगेगा ये सरकार ने सिर्फ घोषणा को घोषणा बन करके ही वो रह गया। चुनाव के मंच में छोड़ दीजिए, घोषणा पत्र भी छोड़ दीजिए, उन्होंने झारखंड की विधानसभा में घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने घोषणा किया, सरकार ने घोषणा किया, उनके वित्त मंत्री का भाषण है उसमें भी उन्होंने घोषणा कर किया है, उन्होंने कहा था कि हम अगर रोजगार नहीं दिए तो फिर बेरोजगारी भाता देंगे नौजवानों को। लेकिन आप पौने 4 वर्षों हो गए, आप कहीं भी जाए कहीं भी, अभी आपको यहाँ पूछ रहे थे विधायक जी, कहीं भी सरकार ने इसका कोई अनुपालन नहीं किया, यानी अपनी घोषणाओं पर भी उन्होंने अमल नहीं किया, उसको भी कार्य रूप नहीं दे सका। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज जो झारखंड में सरकार है उस सरकार से आप कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि सरकार से हम सब लोग जो उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लोग भय मुक्त हो करके लोग रह पाएंगे झारखंड में। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है कि इस राज्य में चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, अपहरण हो, आए दिन हो रही है, बहु बेटियों की इज्जत भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है,
कहीं पर पेट्रोल छिड़का करके उसको जला दिए जाते हैं, कहीं दुष्कर्म करके हत्या करके पेड़ों में टांग दिए जाते हैं, और तो और कहीं पर 50 टुकड़ों में भी फेंक दिए जाते हैं। और आपके इस हजारीबाग जिला में ही कई एक लोगों की हत्याएं हुई है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़कागांव के क्षेत्र में भी किसी कंपनी के व्यक्ति की हत्या हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।